हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनू सर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेट्रोबिट चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और टाइटल भी आपने देख लिया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपनी कार में जो डबल डिन होता है उसे मिरर लिंक के साथ हम कनेक्ट करेंगे, जो अपनी मिरर स्क्रीन में होता है, मिरर स्क्रीन में होता है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, हम जो भी अपने डबल डिन में प्ले करते हैं, जैसे वीडियो सॉन्ग्स हो गए या सॉन्ग्स हो गए, वो सिर्फ अपने डबल डिन में दिखाई देता है। तो अब हम ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे मिरर लिंक मिरर स्क्रीन के साथ। तो अगर आप कुछ इसमें प्ले करेंगे डबल डिन में तो मिरर स्क्रीन में भी दिखाई देगा। तो चलिए इसको कैसे करना है, बड़ा सिंपल सी दो स्टेप्स है, आपको वायरिंग कैसे करना है इसका मैं बताऊंगा। तो चलिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, और जो भी मेरे इस वीडियो को नए से देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आपने स्किप किया वीडियो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ वॉच कीजिए फुल वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा डबल डिन है जहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हमारा ये मिरर लिंक की टीवी है। अभी हम जो भी इस पे ऐसे प्ले कर रहे हैं, सैंपल के तौर पर बता देता हूँ। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपने मिरर को, अभी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पर आप बटन देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा है V1, आपको शायद थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए सही से नहीं दिखा रहा। यहाँ पर V1 V2 है, तो मतलब इसका ही है V1 V2। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे डबल डिन स्क्रीन पे शो कर रहा है वही यहाँ पर भी मिरर स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। तो अभी हम इसको वायरिंग कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन करूंगा, इस पैनल को, बड़ा सिंपल सा है इस पैनल को ओपन करना। इसे हम खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं जो भी प्ले करूंगा और चेंज करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेनू के बटन पर क्लिक करूंगा तो इधर मेनू आ जाएगा। तो इधर भी आपका मेनू दिखाई देगा, सेम जैसा यहाँ पर है वैसा ही ऊपर भी दिखाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अभी हम इसको ओपन कर लेंगे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, अभी हम ओपन करेंगे क्योंकि मैं वीडियो खुद कर रहा हूँ, खुद ही ओपन करना है। तो इसको कट करता हूँ मैं, थोड़ा ओपन करके आपको बताता हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इस कवर को मैंने ओपन कर लिया है अभी। तो यहाँ पर आपको पीछे मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इसके पीछे। यहाँ पर देख रहे होंगे आप तीन पिन है इसमें येलो कलर के, जहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो आउटपुट वीडियो इनपुट। अगर आप यहाँ पर EVI का येलो कलर का जो कनेक्ट किया हुआ केबल ये देख रहे होंगे, ये केबल EVI का जो कनेक्टेड मैंने किया है, ये हमें आता है ऊपर से सीधे जहाँ पर से ये मिरर लिंक है इसके साथ ये वायर आया होता है। तो ये कनेक्शन होता है, ये फिक्स नहीं निकालने जाता। यही आपको सिर्फ सिंपल सा स्टेप है, यही आपको EVI लेना है। तो यहाँ पर वीडियो आउटपुट में आपको इसको कनेक्ट कर देना है। अब जहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट किया है वो है वीडियो आउटपुट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे वीडियो आउट बोल के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। इतना ही आपको करने से क्या होगा, आप जो भी इसमें प्ले करेंगे, आप इसमें जो ऑप्शन यहाँ पर होता है V1 V2 उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो मिरर स्क्रीन जो आपके डबल डिन में प्ले होगा वही आपके मिरर स्क्रीन पे भी प्ले होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर ले, और जो भी मेरे इस नए से वीडियो को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।